आप चिंतित लग रही हैं। हाँ देवी लक्ष्मी, विषय तो अनुसुईया के सत्यत्व की परीक्षा का था, किंतु अब वह चिंता तक आ पहुंचा है। चिंता का कारण क्या है देवी? अनुसुईया के सत्यत्व की परीक्षा लेने त्रिदेव यहीं से गए हैं। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था, किंतु लौटे नहीं, यही चिंता का कारण है। आओ देवी सरस्वती, आपका स्वागत है। स्वागत कर रही हूँ, किंतु उदास हूँ। लगता है विषय वही अनुसुईया की महान सती होने का है। ऐसा ही कुछ है, त्रिदेव भी यही मानते हैं कि वो जगत की सर्वश्रेष्ठ सती है। नहीं, सर्वश्रेष्ठ नहीं, नहीं। हाँ, वो चाहे जितनी बड़ी सती हो, हमसे बड़ी सती नहीं हो सकती। हम भी यही कहती हैं। हाँ, हमारा भी यही मानना है कि वो हमसे बड़ी सती नहीं हो सकती है। नारायण नारायण। त्रिदेवियों को नारद का प्रणाम। त्रिदेवों को एक साथ प्रणाम करने का अवसर प्राय प्राप्त होता रहता है, किंतु त्रिदेवियों को एक साथ प्रणाम करने का अवसर और सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है। आज कैलाश पर त्रिदेवी सम्मेलन है, अवश्य ही कुछ विशेष प्रसंग होगा, किंतु त्रिदेवियों की शोभा तो त्रिदेव से है। मैं तो विष्णु लोक ब्रह्म लोक दोनों में भ्रमण करके आ रहा हूँ। दोनों लोग सूने पड़े हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी नहीं। आप तीनों को तो अवश्य ज्ञात होगा ही कि त्रिदेव कहाँ है। नारद, तुम बात बिल्कुल तो हो ही, अभिनय पटु भी हो। तुम तो ऐसे अज्ञानी बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ ज्ञान ही न हो। कैसा ज्ञान माता? क्या तुम नहीं जानते कि त्रिदेव अनुसुईया के सत्यत्व का अभिमान चूर चूर करने गए हैं? कैसे जानूंगा, कैसे माता, जबकि मैं ये जानता हूँ कि सती अनुसुईया को अभिमान छू भी नहीं सकता, तो फिर उसके चूर चूर होने का प्रश्न भी नहीं उठता। किंतु नारद, तुम ये तो जानते हो कि त्रिदेव अनुसुईया को महान सती मानते हैं। हाँ, सो तो जानता भी हूँ और मानता भी हूँ माता। क्या तुम भी यही मानते हो? विवशता है माता, विवशता। त्रिदेव जिसे मानते हैं उसे यदि मैं अमान्य कर दूँ तो स्वयं मैं अमान्य हो जाऊंगा। तो सत्य ये है कि त्रिदेव की मानता के कारण ही तुम भी यही मानते हो कि अनुसुईया जगत की महान सती है। हाँ माता। किंतु इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण असत्य से उत्पन्न शंका का होता है माता। जो प्रत्यक्ष है उसका क्या प्रमाण? सत्य असत्य का ज्ञान बिना परीक्षा लिए कैसे होगा नारद? माता, यही जानने तो मैं अत्रि आश्रम गया था। क्या नारद, तुम अत्रि आश्रम गए थे? हाँ माता, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो क्या वहाँ त्रिदेव नहीं थे? अब क्या बताऊँ मैं माता? जो सत्य है वही कहो नारद। बताओ नारद, त्रिदेव वहाँ थे अथवा नहीं? थे भी और नहीं भी। नारद, अपनी लीला का प्रदर्शन दानवों अथवा मानवों पर किया करो। स्पष्ट कहो, त्रिदेव वहाँ थे या नहीं? कहो नारद, अनुसुईया के आश्रम में तुम्हें त्रिदेव के दर्शन हुए अथवा नहीं? माता, मैंने वहाँ अनुसुईया के तीन छोटे छोटे शिशुओं के दर्शन किए, किंतु त्रिदेव के तो तीनों लोक में कहीं दर्शन नहीं हुए। ये क्या, कहां गए वे तीनों? नारद, तुम्हें ये क्यों कहा कि त्रिदेव वहां थे भी और नहीं भी? नारायण नारायण। माता, मैं तो कण कण में प्रभु के दर्शन करता। सती अनुसुईया के उन तीनों शिशुओं में भी मैंने त्रिदेव के दर्शन किए, बस इसीलिए कह दिया कि वे वहां थे। नारद, अपने से बड़ों के साथ ऐसा निर्बल विरोध करते हुए तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं होता? मैंने कोई विनोद नहीं किया माता। रही बात संकोच की, सो तो भक्तों को संकोचहीन करने में
त्रिदेव भी कब संकोच करते हैं? अभिप्राय क्या है तुम्हारा? कोई अनर्थकारी अभिप्राय नहीं है माता, सरल और स्पष्ट अभिप्राय है कि जब तक भक्त निसंकोच होकर त्रिदेव से वरदान नहीं मांगते, तब तक त्रिदेव भी निसंकोच होकर भक्तों को वरदान नहीं देते। तो तुम्हारा अभिप्राय है कि त्रिदेव अनुसुईया को निसंकोच होकर वरदान देने गए हैं? माता, कहा ना मैंने कि मैंने त्रिदेव को तीनों लोक में कहीं नहीं देखा। तो फिर गए कहां? माता, आप तीनों मुझसे और मैं आप तीनों से यही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वे गए कहाँ? नारद, तुम जब अत्रि आश्रम गए थे तो तुमने अनुसुईया से उनके विषय में नहीं पूछा? तो क्या अनुसुईया ने तीन शिशुओं को एक साथ जन्म दिया है? हमें तो इस विषय में भी कुछ ज्ञान नहीं था कि अनुसुईया माँ बनने वाली है। पर माँ बनने वाली इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकती है? नारायण नारायण, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सती अनसुया की परीक्षा लेने गए त्रिदेव को स्वयं परीक्षा देनी पड़ गई हो? नारायण नारायण, अर्थात पृथ्वी लोक की भाषा में उन्हें कहीं लेने के देने पड़ गए हो। आवश्यक भी तो नहीं कि सदा त्रिदेव परीक्षा देने पर उत्तीर्ण ही हो जाए। नारद, तुम हमारी चिंता कम करने की अपेक्षा उसे बढ़ा ही रहे हो। माता, यदि मेरे वश में होता तो मैं आप तीनों की चिंता कम क्यों करता? नारायण नारायण, अर्थात जड़ मूल से मिटा ही न देता। करो माता, विवश हूँ। नारद, ऐसा लगता है कि तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो। छिपने वाले तो छिप ही गए माता, मैं क्या छिपाऊंगा? नारद, तुम तो त्रिकालदर्शी हो, दिव्य दृष्टि से देखकर बता कि इस समय त्रिदेव कहाँ है। दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्ति से तो आप तीनों भी संपन्न हैं माता, फिर आप ही स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके देख ले कि आपके पति कहाँ हैं, कैसी स्थिति में हैं और क्या कर रहे हैं। अब तो हमें यही करना होगा, हम व्यर्थ ही उद्विग्न हो रहे हैं, चलो देखते हैं। क्या तुम दोनों ने वही देखा जो मैंने देखा? यही प्रश्न मैं करने वाली थी, यही प्रश्न आप दोनों से मैं भी कर रही थी। क्या प्रश्न है आप तीनों देवियों का? तनिक मैं भी तो सुनूं। नारद, सब कुछ जानते हुए भी तुम अंधे के बनते हो। क्या तुम नहीं जानते कि अत्रि ऋषि के आश्रम में अनुसुईया के पालने में त्रिदेव शिशु बनकर पै पै कर रहे हैं? पै पै नहीं, ऐ ऐ कर रहे हैं। पै पै भी नहीं और ऐ ऐ भी नहीं, उआ उआ करके रो रहे हैं। नारायण नारायण, सभी ने अपने अपने पतियों को शिशु रूप में रोता देख सुन लिया। अच्छा हुआ आप तीनों ने उन तीनों को देख लिया, आपकी चिंता दूर हो गई ना। अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं चला। रुक जाओ नारद, हमारी चिंता अभी दूर नहीं हुई है, बढ़ गई है। अभी तो केवल इतना ही ज्ञात हुआ है कि वे अनसुईया के पालने में है। और क्या ज्ञात करना शेष है माता? नारद, कभी कभी तुम्हारे प्रश्न बाण की नोक से भी अधिक नोकीले होते हैं। उन तीनों को वहाँ से कैसे मुक्त करें, यह ज्ञात करना तो शेष ही है। नारद, तुम्हें हमारे साथ तुरंत अत्रि आश्रम चलना है। मैं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूँगा वहाँ आकर? शिशुओं और माताओं के बीच नारद का क्या काम है? आप तीनों की उलझाई हुई है, अब इस गुत्थी को आप तीनों ही सुलझाएं, मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण, हम नारद का आश्रय क्यों लें? क्यों ना हम स्वयं ही अत्रि आश्रम चलें?